रिग्रेट्स आर पावरफुल। हर एक इंसान जो 6 साल से बड़ा है और जिसके दिमाग में कोई भी डैमेज नहीं है, उसे पछतावे, रिग्रेट्स होंगे ही होंगे। दोस्तों, ऑथर डैनियल पिंक ने वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे किया है, जिसमें उन्होंने 105 देशों से तकरीबन 16,000 लोगों की रिग्रेट्स कलेक्ट की। इन्हें पढ़कर, स्टडी कर उन्हें कई सारे लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन सीखे, जैसे 4 तरह की रिग्रेट्स, कैसे रिग्रेट्स हमें इंसान बनाती है, हमें बेहतर बनाती है, रिग्रेट्स के क्या क्या फायदे होते हैं, कैसे हम रिग्रेट्स को एक लाजवाब जीवन जीने के लिए उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने ये सारी सीखे अपनी बेहतरीन लाजवाब किताब द पावर ऑफ रिग्रेट में लिखी है, जिसे फ्रेंड्स आज हम बेहद बारीकी में जानेंगे और समझेंगे। बाय द वे दोस्तों, मैं ऐसे लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स और पॉडकास्ट पर सुपर हाई क्वालिटी वीडियोस क्रिएट करता हूं। अगर आप ऐसे कंटेंट को बेहद पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। स्पेशली अगर आप एक टीनेजर हो, अपने 20s में हो, तो ये चैनल आप ही के लिए है। क्यों और कैसे पछतावे हमें इंसान बनाते हैं? रिग्रेट इज अ मार्कर ऑफ हेल्दी मैच्योरिंग माइंड। न्यूरोसाइंटिस्ट नेथली कैमिले ने अपनी कॉग्निटिव साइंटिस्ट की टीम के साथ एक सिंपल गैम्बलिंग गेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को 2 में से 1 कंप्यूटराइज्ड रूलेट स्टाइल व्हील को घुमाना था। एक पहिए को गोल घुमाने के बाद उसका एरो जहां रुकेगा, इसी के आधार पर या तो वो कॉन्टेस्टेंट पैसे जीतेगा या फिर पैसे हारेगा। हर एक पार्टिसिपेंट को काफी बुरा लगता जब वो इस तरह अपने पैसे गवाता था। ऑब्वियसली नथिंग सरप्राइजिंग, पर इंटरेस्टिंगली व्हील घुमाकर पैसा गवाने के बाद जब जब उस कॉन्टेस्टेंट को ये एहसास होता कि अगर वो दूसरा व्हील घुमाता तो वो पैसे जीत जाता, तब तब उन्हें हद से ज्यादा बुरा लगता, पछतावा होता। पर फिर इंटरेस्टिंगली कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी थे जिन्हें ये जानकर बुरा नहीं लगता था, कोई भी पछतावा ही नहीं होता था। और दोस्तों, असल में ये पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन में लीजन्स थे, प्रिसाइजली ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स में। दोस्तों, इस पूरे एक्सपेरिमेंटल स्टडी से हम ये समझ सकते हैं कि हर एक इंसान को थोड़े बहुत पछतावे होते ही हैं, और अगर उसे नहीं होते तो ये ब्रेन डैमेज की एक साइन मानी जा सकती है। Anyone above the age of 6 who hasn't damaged their orbito frontal cortex experiences regret. कम से कम और काश, at least make us feel better. If only by contrast make us feel worse. Olympic athletes पर एक study हुई थी जिसमें ये reveal हुआ था कि 3rd placed winners 2nd place winners से ज्यादा खुश थे। जिन जिन athletes ने bronze medal जीता था, उनकी सोच ये थी कि कम से कम मैंने एक ओलंपिक मेडल तो जीता, अगर मैं थोड़ा धीरे होता तो मेरे पास मेडल ही नहीं होता। पर दूसरी ओर जिन जिन लोगों ने सिल्वर मेडल जीता था, वो ज्यादातर ये सोचते थे, यार काश मैं थोड़ा जल्दी होता तो मुझे ओलंपिक गोल्ड मिल जाता। दोस्तों, इस तरह की सोच को काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं, और ऐसी सोच 2 दिशाओं में जाती है, ऊपर या तो नीचे। अपवर्ड काउंटर फैक्चुअल मतलब हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे चीजें बेहतर हो सकती थी, यानी काश 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 में सोचना। डाउनवर्ड काउंटर फैक्चुअल मतलब हम ये विचार करते हैं कि अल्टरनेटिव आउटकम कितनी बुरी हो सकती थी, यानी कम से कम में सोचना। दोस्तों, अब कड़वा सच ये है कि भले ही हम कम से कम में सोचकर अच्छा महसूस करते हैं, पर अपनी जिंदगी बदलने के लिए हमें काश काश में सोचना बेहद जरूरी है। क्यों और कैसे पछतावे हमें बेहतर बनाते हैं? फ्रेंड्स, ब्रॉडली स्पीकिंग रिग्रेट्स पछतावे के 3 फायदे होते हैं। फर्स्ट, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। आयरलैंड में कुछ रिसर्चर्स ने बच्चों के साथ कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें उन्होंने ये पाया कि बच्चों में फैसले लेने की क्षमता काफी ज्यादा बेहतर होती जाती है जब वो 6-7 साल की उम्र का डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्रॉस करते हैं। इस माइलस्टोन थ्रेशोल्ड से बच्चे रिग्रेट्स को एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, ये उन्हें अपने फैसलों से सीखने का एक मौका देता है, ताकि जिंदगी में आगे चलकर वो सही फैसले ले पाए। सेकेंड, बूस्ट परफॉर्मेंस। दोस्तों, अगर आप कोई भी खेल पहली बार खेलते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होता, पर फिर अगर आप अपनी गलतियों से सीखकर
दूसरी बार खेलते हैं तो आपका परफॉर्मेंस पहले से काफी बेहतर होता है। दोस्तों रिग्रेट जिंदगी में ऐसे ही काम करती है, पर फ्रेंड्स ये भी एक सच है कि ज्यादा देर अपने पछतावे में जीना और अपनी हार को लगातार अपने दिमाग में चलाते रहना काउंटर प्रोडक्टिव बनता है। थर्ड, प्रोवाइड डीप मीनिंग टू लाइफ। जैसे कि हमने अभी समझा, काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग की मदद से हम अपनी जिंदगी में एक पर्पस मीनिंग महसूस कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि हम खुद को अपने अपने दिमाग में जो कहते रहते हैं उसी के बेसिस पर हमारी आइडेंटिटी शेप होती है। हम खुद को दो तरह की कहानी कह सकते हैं, रिडेम्पशन स्टोरी, कंटामिनेशन स्टोरी। रिडेम्पशन स्टोरी मतलब बुरे हालात या वक्त से उबर कर सफल बनने की कहानी। फॉर एग्जाम्पल, अपने स्कूल या कॉलेज में आपको अच्छे नंबर नहीं मिले, पर 15-20 साल के बाद अपने बिजनेस के कारण आप बहुत बहुत अमीर बन गए और फिर आपकी स्कूल या कॉलेज आपको इनवाइट करती है ताकि आप एक कमेंसमेंट स्पीच दें। कंटामिनेशन स्टोरी मतलब कैसे कोई बेहद सफलता से गिरकर रास्ते पे आ गया। फॉर एग्जाम्पल, हर्षद मेहता। दोस्तों पछतावा, रिग्रेट आपकी रिडेम्पशन स्टोरी का एक बेहद अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। चार तरह के पछतावे। ऑथर डेनियल पिंक ने अपने वर्ल्ड रिग्रेट सर्वे से ये पाया कि हर एक इंसान को इन चार में से कोई एक पछतावा होता ही होता है। फर्स्ट, फाउंडेशनल रिग्रेट मतलब ऐसे सोचना, काश मैंने कुछ कदम उठाए होते, कुछ काम किया होता। दोस्तों ये जनरली या तो हेल्थ या फिर फाइनेंस या तो करियर रिलेटेड रिग्रेट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, काश मैंने हेल्दी डाइट खाया होता तो मुझे ये लाइफस्टाइल डिसीज ना होता, या काश मैंने अपने 20s में जो बिजनेस या करियर मुझे पसंद था वो शुरू किया होता। सेकंड, बोल्डनेस रिग्रेट मतलब ऐसे सोचना कि काश मैंने तब वो रिस्क ले लिया होता। दोस्तों ये जनरली जब हम कंजर्वेटिवली प्रैक्टिकल सोचते हैं तभी होती है। फॉर एग्जाम्पल, काश मैंने उसे अपनी दिल की बात कह दी होती, या तो काश मैंने कॉलेज छोड़ अपना बिजनेस शुरू कर दिया होता। थर्ड, मॉरल रिग्रेट्स मतलब ऐसे सोचना कि काश मैंने सही चीज की होती, सही कदम लिया होता। दोस्तों ये उन्हें होती है जिन्होंने सही ना करने का फैसला लिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी को धोखा देना, किसी अपने से कमजोर को डरा धमकाना। फोर्थ, कनेक्शन रिग्रेट्स मतलब ऐसे सोचना कि काश मैंने उसे संपर्क किया होता। दोस्तों ये जनरली क्लोज रिलेशनशिप्स में होती हैं, जैसे काश मैंने अपने दोस्त के मरने से पहले उसे संपर्क किया होता, या काश मैंने अपनी गलती मानकर अपने दोस्त से सुलह की होती तो आज हमारी दोस्ती कायम होती। दोस्तों ऑथर कहते हैं, अगर आप अभी इस दुविधा में हैं कि क्या मैं उस इंसान को संपर्क करूं या नहीं, तो इसका जवाब बेहद सरल और स्पष्ट है, डू इट राइट नाउ। क्योंकि कनेक्शन रिग्रेट्स सबसे कॉमन रिग्रेट है, मरते वक्त यही रिग्रेट लोगों को सबसे ज्यादा चुभती है। अपने सर्वे में डेनियल पिंक ने ये पाया कि 67% रिग्रेट्स रिग्रेट ऑफ इनएक्शन थी, यानी फैसला ना लेना, कदम ना उठाना, काम ना करना, सुलह ना करना। एंटीसिपेटिंग फ्यूचर रिग्रेट्स। दोस्तों रिग्रेट एक रेट्रोस्पेक्टिव इमोशन है, मतलब जो पीछे मुड़कर देख परख कर महसूस होती है। एल्फ्रेड नोबेल ने 1888 की सुबह में अपने अखबार में एक चौंका देने वाली चीज पढ़ी। उस अखबार में उनकी मौत की खबर लिखी थी। असल में उनके भाई लुडविक नोबल गुजर गए थे, पर पत्रकार ने गलती से ये समझा कि एल्फ्रेड गुजर गए हैं। दोस्तों अखबार में जो लिखा था वो पढ़कर एल्फ्रेड के पैरों तले जमीन खिसक गई। एल्फ्रेड नोबेल एक बेहतरीन केमिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट और न्यू एज माइनिंग टेक्निक्स का आविष्कार किया था। दोस्तों ये मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स में बड़े काम में आते थे। उस अखबार में उनकी मौत की हेडलाइन थी, मौत के सौदेगर की मौत, और आगे लिखा था, डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने ये आविष्कार किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी कैसे मारा जाए। इस भयानक एक्सपीरियंस के बाद एल्फ्रेड ने अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। उस घटना के 8 साल अपनी मौत के बाद उन्होंने अपनी 94% वेल्थ
दान दे दी। दोस्तों आज की वैल्यू में ये 500 मिलियन डॉलर्स हैं। ये डोनेशन को आज हम नोबेल प्राइज से जानते हैं। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के लिए उनकी मौत की खबर बेहद महत्वपूर्ण थी ताकि उनकी जिंदगी बदल जाए, पर हम सब के लिए हमें खुद अपने फ्यूचर रिग्रेट्स को एंटिसिपेट करना चाहिए। फ्रेंड्स मैं यहाँ आपसे जेफ बेजोस का रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क शेयर करना चाहूंगा। वो कहते हैं खुद को 80 साल का इमेजिन करो और फिर पहचाने कि आपके क्या क्या पछतावे हैं। अब दोस्तों ये पछतावे आपको 80 साल पे ना हो उसके लिए आप क्या करेंगे? ठीक वो ही करें। हमारा उद्देश्य यही है कि हमें कम से कम पछतावे हो। ऑथर डैनियल पिंक ने रिग्रेट के बारे में और बहुत कुछ लिखा है, आपको उनकी किताब जरूर पढ़नी चाहिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर अपने सारे परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मुझे ये विश्वास है कि आप आज से एक अलग ढंग से अपनी जिंदगी जिएंगे। चलिए मिलते हैं, पीस, थैंक यू।